लोकसभा चुनाव 2019 के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। सातवें यानी कि आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होगा। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां जहां तेज हैं, वहीं जहां जहां मतदान हो चुका है वहां पर कयासों का दौर चल रहा है। मतदान जिन सीटों पर होने वाला है उनको लेकर भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश में 19 मई को जिन 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है उनके समीकरण क्या कहते हैं और किसकी जीत की संभावनाएं बन रही हैं। शुरुआत करेंगे महाराजगंज से। महाराजगंज में 2014 में बीजेपी के जनार्दन सिंह सिंगरीवाल सांसद बने थे। 2014 में बीजेपी को यहां करीब 3,20,753 वोट मिले थे, जबकि विपक्षी उम्मीदवार प्रभुनाथ सिंह को 2,82,338 वोट हासिल हुए थे। तीसरे नंबर पर बाहुबली नेता जेडीयू के मनोरंजन सिंह थे, जिनको 1,49,483 वोट मिले थे। इस बार महाराजगंज की हवा बदली हुई है और अन्य सीटों की तरह महागठबंधन यहां बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। उम्मीद जताई जा रही है सियासी पंडितों की तरफ से कि पूर्वांचल की अन्य सीटों की तरह महाराजगंज में भी महागठबंधन की जीत हो सकती है, बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बात करें कुशीनगर की तो कुशीनगर में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक कुशीनगर की आबादी करीब 35,64,544 है। 2014 में यहाँ मतदाताओं की संख्या 16,80,992 थी। 2014 चुनाव में 9,50,445 यानी 56.5% वोट पड़े थे। कुशीनगर की आबादी के हिसाब से और मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखें तो महागठबंधन यहां भी आगे है और टक्कर कड़ी दे रहा है बीजेपी को। हालांकि जीत का फैसला 23 मई को निकलकर सामने आएगा कि आवाम ने किसके हक में मतदान किया है। बात करें देवरिया की तो यहां भी हालात वही हैं जो अन्य जिलों के हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय देवरिया में 18,06,926 वोटर थे, जिनमें 9,97,314 पुरुष और 8,09,612 महिला मतदाताएं थीं। इस दौरान इस संसदीय क्षेत्र में करीब 9,71,557 यानी 53.8% मतदान हुआ था। इस संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के कलराज मिश्र ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 51% वोट हासिल किए थे और बहुजन समाज पार्टी के नियाज अहमद को उन्होंने हराया था। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और इस बार समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के वोटों को मिला दें तो कलराज मिश्र पीछे नजर आते हैं। बात करें बांसगांव की तो ये सुरक्षित संसदीय सीट है। 2014 में यहां पर चुनाव हुए और बीजेपी के कमलेश पासवान ने जीत हासिल की। बहुजन समाज पार्टी के सदल प्रसाद को उन्होंने हराया था। तो कुल मिलाकर बांसगांव में भी महागठबंधन जो हुआ है उसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन आमने सामने का मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन में है। बात करें घोसी लोकसभा सीट की तो 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के उम्मीदवार हरि नारायण राजभर ने यहां से बसपा के दारा सिंह चौहान को हराकर जीत हासिल की थी और अपना खाता खोला था। पिछले चुनाव को देखा जाए तो इस बार घोसी में समीकरण बदले हैं। बीजेपी में आपसी सर्फ टब्बल देखने को मिल रहा है। बसपा और समाजवादी पार्टी साथ में आ गए हैं तो इसलिए वोट बटा नहीं है, वोट एक साथ आ गया है और वोट के एक साथ आने से यहां भी महागठबंधन की जीत के आसार देखने को मिल रहे हैं। बात करें सलेमपुर लोकसभा सीट की तो सलेमपुर में कल ही अखिलेश यादव और मायावती ने रैली की और रैली में जिस तरीके की भीड़ आई उसने साफ संकेत दे दिया कि सलेमपुर में महागठबंधन की जीत के आसार बन रहे हैं। समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी टक्कर देने के लिए तैयार है और बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है ताकि यहां पर जीत हासिल की जा सके। बात करें बलिया की तो बलिया के संसदीय इतिहास में बहुत योगदान पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का रहा है। ये उनकी पुश्तैनी सीट रही है। 8 बार वो यहाँ से सांसद रहे, लेकिन 2007 में उनका निधन हो गया तो उपचुनाव हुआ जिसमें उनके बेटे ने जीत हासिल की, लेकिन इस बार उनके परिवार से यहाँ पर कोई भी मैदान में नहीं है। बीजेपी और सपा बसपा महागठबंधन आमने सामने है, लेकिन चर्चा फिर भी चंद्रशेखर के परिवार की हो रही है। चर्चा किसी भी परिवार की हो, लेकिन आमने सामने का मुकाबला बीजेपी और महागठबंधन में है और महागठबंधन यहां भी आगे चल रहा है। अब बात करते हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के संसदीय क्षेत्र गाजीपुर की। गाजीपुर में हवा बदली जरूर है, लेकिन समीकरण मनोज सिन्हा के पक्ष में है। बीजेपी यहां से जीत सकती है और मनोज सिन्हा एक बार फिर यहां से सांसद बन सकते हैं, क्योंकि विकास कार्यों का अगर जायजा लिया जाए तो गाजीपुर में वो दिखाई देता है। और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि अब तक जो सांसद हुए उन्होंने इतना काम नहीं किया जितना मनोज सिन्हा ने किया है। मनोज सिन्हा के पक्ष में समीकरण बन रहे हैं, लेकिन फिर भी महागठबंधन का दावा है कि हम जीत सकते हैं। वो 23 मई को पता चलेगा कि जीतेगा कौन, लेकिन सांसद फिलहाल मनोज सिन्हा ही बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें चंदौली की तो 75
जिले उत्तर प्रदेश में है और उनमें से ये वाराणसी मंडल में आता है। प्रदेश के 80 संसदीय क्षेत्रों में से इस संसदीय क्षेत्र की संख्या 76 है। चंदौली की जनगणना और 2014 के समीकरणों को अगर देखा जाए तो बीजेपी यहां पर अब पीछे दिखाई देती है, क्योंकि महागठबंधन और बहुजन समाज पार्टी एक साथ में है। ऐसे में महागठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और यहां पर बीजेपी की हार होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बात करें मिर्जापुर की तो यहां पर अपना दल और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2014 में और अपना दल से अनुप्रिया पटेल यहां पर सांसद बनी थी जो केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन इस बार समीकरण फिर बदले हुए हैं। भले ही अपना दल और बीजेपी का गठबंधन हो, लेकिन महागठबंधन जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, उनका वोट बैंक अपना दल और बीजेपी का वोट बैंक से ज्यादा होता है। ऐसे में महागठबंधन पुराने आंकड़ों के आधार पर यहां जीतता दिखाई दे रहा है। आखिर में बात करते हैं रॉबर्टगंज संसदीय क्षेत्र की। भारतीय जनता पार्टी के छोटे लाल यहां से सांसद 2014 में बने थे। छोटे लाल ने जीत हासिल की और संसद पहुंचे। छोटे लाल ने बहुजन समाज पार्टी के शारदा प्रसाद को हराया था। चुनाव में छोटे लाल को 378,211 वोट मिले थे, जबकि शारदा को 187,725 वोट हासिल हुए थे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट को मिला दिया जाए तो 2019 में ये पहले नंबर के दल बनकर उभरेंगे और महागठबंधन रॉबर्टगंज में भी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ये वो 13 सीटें हैं जिन पर मतदान होगा 19 मई को। और मतदान से पहले हमने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि 2019 में इन 13 सीटों पर किसकी जीत हो सकती है। एक सीट जो है गाजीपुर की, वो जा सकती है बीजेपी के सांसद मनोज सिन्हा के खाते में। बाकी 12 सीटें जो हैं उन पर महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। बीजेपी भी कड़ी फाइट कर रही है, लेकिन यहां पर इस बार जीतने के आसार कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में 23 मई को पता चलेगा मतदान के बाद कि नतीजे क्या आते हैं और किसकी जीत यहां पर होती है। फिलहाल साफ है कि 13 में से 12 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाकर आगे चल रहा है और उसकी जीत भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।